असिस्टेंट लोकोर देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले अंजलि जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने रूबरू होने का एक अवसर दिया। उसके साथ साथ कुछ आपके जो सुखद दुखद अनुभव उनको सुनने का मौका मिला और किस प्रकार से इनका निराकरण किया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे सुखद बात है वो ये है, ये दर्शाता है और जो आरटीआई के अंतर्गत जो उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो हमारा आम नागरिक जो है वो सशक्त हो सके। और मेरा ये मानना है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में अंतिम व्यक्ति में जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, अगर वो सशक्त हो सकता है तो पूरा समाज जो है वो सशक्त होता है। और फिर जो बात करते हैं हम, चाहे पारदर्शिता की, चाहे जवाबदेही की, चाहे सहभागी बनने की सरकार में या प्रजातंत्र में किस प्रकार से हम अपना जो भी योगदान देना चाहें दे सकते हैं, वो हो सकता है, सब हो सकते हैं। और यही बात जो है वो आरटीआई का उद्देश्य था। चाहे हालांकि प्रारंभ में जो सोच थी कि किस प्रकार से मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में ये काफ़ी चला था जबकि हम फील्ड में थे कि किस प्रकार से जो जानने का अधिकार है, किस प्रकार से जो जानना चाहता है ये कामगार की क्या सूचना मिलनी चाहिए, तो कितना पैसा मिलना चाहिए, वो सूचना उसी ने उसे प्रारंभ हो पेश करके नया आयाम आ गया है। तो ये सब मेरे ख्याल में हम सब लोग बात यहाँ हैं और क्योंकि हमारा सबकी आपस में है कि किस प्रकार से जो सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है और सशक्त हो, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन है वे ढंग से लागू हो सके। और जो कि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है जो लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, जो लोगों को पूछने का अधिकार मिलना चाहिए, सूचना जानने का मिल सके वो मिल सके। कुछ एक बातें मैं क्योंकि मैं क्षमा करती हूँ कि समय भाव है जाना होगा, लेकिन जो कुछ बातें हुई हैं और जो नीतिगत बातें हैं उन पर मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन एक जो बात है वो आपको बताएं कि हम चाहे कितनी कहें कि आरटी में ही होना चाहिए या इनका जो चाहे सूचना अधिकारी या प्रथम क्रिया अधिकारी या आयोग से नहीं है, तो मैं बताऊं कि क्योंकि कानून बहुत पुराना नहीं, 2005 में है, 14 वर्ष में, लेकिन अगर आप इसको एक निगाह डालें, एक व्यंगम दृष्टि से देखें तो इसमें जो प्रगति हुई है काफ़ी संतोषजनक है। जो शुरू में जब आरटीआई आया था जो कि प्रत्येक 100 आरटीआई एप्लीकेशन में से लगभग 14 को जवाब सूचना ही नहीं मिल पाती, आज को घटकर केवल 4% है। ये महत्वपूर्ण है और जैसे विलम्ब हो रहा है, मैं मानता हूँ कि खासकर जो आयोग में है हम भी चाहते हैं कि अधिक से जल्दी से समय हो। और मैं जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें जो है हमारी जो अभी सुनवाई चल रही है सभी वर्ष 2018 की है, 2018 के केसेस हम सुन रहे हैं, 16 के कोई केस नहीं है एक्सेप्ट कोई जो केसेस हैं किसी तकनीकी आधार पे पड़े हुए हैं, 17 के लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है जो है कि किस प्रकार से हम भी चाहते हैं कि जो करंट हो, क्योंकि जो भी सूचना लेता है, सूचना अगर वो मांगता है तो उसके पीछे उसका मकसद होता है उसकी किसी समस्या का निवारण होना, और अगर उसे सूचना नहीं मिलेगी तो उसके उसके समक्ष जो सूचना है उसका निवारण कैसे होगा, ये सोचने की बात है। तो हम भी चाहते हैं और जो भी आयोग में आया और जाते जैसे हर्ष जी भी कह रहे थे जाते लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और मैं मानता हूँ कि ये अच्छी बात है क्योंकि वो खुद जानते हैं और मैं भी हमसे हमारा जो प्रवेश है सरकार में जो आया है हमारा जो जो प्रशिक्षण हुआ है जो ट्रेनिंग हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्या जो गरीबों की समस्या उसे उसके साथ जुड़ने का उसको किस प्रकार से उसका निवारण करने का एक रहता है। तो एक एक जो है वो एक माइंडसेट हमारा रहता है कि किस प्रकार से आज जो हमारा है ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, किस प्रकार से जो उनकी समस्या उसका निवारण कर सके। और ये ध्येय जो है मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं अपने ओर से और जो हमारे जो आयोग हैं जिनके साथ हम लगातार जो आयुक्त हैं उनके साथ जो बैठे होते हैं यही है कि किस प्रकार से सूचना दी जाए। और ये हमारा आयोग की जो विभिन्न बैठकें होती हैं उसमें ये है
कि डिफॉल्ट ये है कि सूचना तो देनी है, अन्यथा जो कानून है अगर उसके तहत प्रतिबंध रहता है तो प्रयास नहीं रहता है। और चाहे ब्यूटीएल भी नहीं, जैसे उन्होंने बताया कि अब मैं अगर गए तो हम पता करेंगे कैसे है, ज़्यादातर कमीशन में है। और मैं अपनी अपना बता सकता हूँ कि चाहे जो अपीलार्थी या शिकायतकर्ता आए ना आए, चाहे उपस्थित हो ना हो, उसकी बात का ध्यान रखते हुए आदेश पारित किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खासकर अपने आदेशों में और बाकी आयुक्त थे सभी का एक एक नीतिगत है कि इस प्रकार से आए ना आए, सरकारी रिस्पॉन्डेंट को है उसका आना जरूरी है, जिससे कि हम उसे जवाब ले सकें। लेकिन अपीलार्थी चाहे आए ना आए, उसके उसकी एबसेंस में कोई निर्णय उसके विरुद्ध नहीं जाएगा, मेरिट पे किया जाएगा। अगर उसको मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना हो तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये कहीं नहीं है। एक और जो समस्या बताई गई कि ड्यूटी अपील हो गई है, आदेश हो गया है, लेकिन उसकी जो उनके हक में भी हुआ, लेकिन जो अल्टीमेटली रिलीफ मिलना चाहिए था, जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो उसका देखना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह है जहाँ शिकायत की जाती हैं तो केवल उसकी शिकायत की कार्रवाई की जाती है, सूचना नहीं दिला सकते हम, क्योंकि वो भी क्या जस्टिस लोग बनाते हैं, कोर्ट का ऐसे कानून है। और जैसे कि अंजलि जानती हैं, जो हमारे गत अधिवेशन हुआ था उसमें यही बात रहा था कि किस प्रकार से, क्योंकि कई जो कानूनी फैसले हैं और हमें क्योंकि आयोग है क्रेडिट में जाते हैं, तो हमें उनका जो खासकर जो उच्चतम न्यायालय और जो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करनी पड़ती है, तो ये एक रास्ते में आता है। और मैं जस्टिस बिल्कुल को बताना चाहूँगा कि जो पेनल्टी का है, पेनल्टी के मुद्दे में, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत अधिक केसेस में हम शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, लेकिन जो पेनल्टी लगाने की बात जब आती है तो एक एक क्योंकि हमारा ये है नैसर्गिक न्याय का वो है कि किस पर जब तक कि हम दूसरे पक्ष को सुन लें, उसकी बात नहीं सुन लें, तो हम उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जो कोर्ट्स का एक फैसला आया है कि जब तक कि उसका मैलाफाइडी उसकी नियत है बदनीति साबित नहीं हो जाए, तब तक पेनल्टी नहीं लगाई जाए, तो ये इसका आड़ मिल जाता है। क्योंकि बहुत कम मामलों में ऐसे होता है कि स्थापित कर पाएँ विदाउट डाउट कि इसमें कोई मैलाफाइडी है और इस कारण से लगनी चाहिए, लेकिन हम पेनल्टी लगाते हैं। चाहे आपने जैसे कहा कभी अगर देखा कि बहुत अधिक नियत हो रहा है तो फॉर डिटरेंट पेनल्टी लगाते हैं या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रयास है, क्योंकि हम भी जानते हैं आयोग में कि जब तक कि इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जो आयोग के जो आदेश हैं उनकी अनुपालना कराने में हमें ही कठिनाई है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि इसलिए ये इसका करें। एक और जैसे मैं हमें बिंदु आया था कि एब्सेंस से मैंने कहा केस मैनेजमेंट का, तो जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रयास रहता है और हम हर बैठक में करते हैं कि किस प्रकार से अधिक डिस्पोजल हो। हर आयुक्त जो है दिन में कम से कम 15-16 केसेस सुनता है और 90% केसेस में जो है उनके फैसले सेम डे अपलोड हो जाते हैं, सेम डे नहीं तो दूसरे दिन अपलोड हो जाते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है आयोग में। तो मैं आपको फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपके समक्ष कह सकता, लेकिन बस एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपका उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो अधिनियम है अधिकार सूचना का अधिकार, ये इसको किस प्रकार सशक्त बनाए, ये हमारा भी उद्देश्य है। हम लोग साथ ही हैं, हमारे को ये नहीं कि हम दूसरे हम पे हाँ ये जरूर है कि हमारे सामने दो पक्ष होते हैं, आप है और एक सरकार है, लेकिन हमारा जो जुखाव है वो जुखाव जो है वो हरसम आप लोगों की तरफ होता, सरकार की तरफ नहीं होता। हमारा प्रयास होता है कि किस प्रकार से लोगों के अधिक से अधिक जनता है उसका अधिक से अधिक ध्यान रखें, उनको किस प्रकार से जो सूचना मिलनी चाहिए वो मिल सके। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ जिस तरह आपका जो इसमें प्रति जो आस्था है और जिस प्रकार से आप, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका अधिकार मिलता है, कई लोगों को मिला है, आपका इसमें आस्था बनी रहे, विश्वास बनी रहे, और उस आप ही के जो आपका जो इस प्रकार से अगर आपका विश्वास दृढ़ रहेगा तो निश्चय ही जो इसमें जो तंत्र है सूचना का आयोग का, चाहे CPIO से लेकर प्रथम अपीय अधिकारी से लेकर जो आयुक्त हैं, वे निश्चय ही जो अपना जो काम है इस प्रकार से सही निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वाह कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे विदा लेना चाहूँगा।